बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा लेटर जारी हुआ है और इस लेटर में आप लोग देख सकते हैं कि भेजने वाले का नाम दीपक कुमार सिंह है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये लेटर भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नियमावली 2023 के विरोध में आंदोलन करने से संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। यह लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से यह समाचार प्रकाशित होते रहते हैं कि वर्तमान में कार्यरत स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा नई नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कृपया इस संबंध में यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई भी स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक अथवा अन्य कोई भी सरकारी कर्मी नियुक्ति नियमावली के विरोध में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन या अन्य सरकारी विरोधी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित किया जाए। और नीचे सिग्नेचर है अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह का, यानी कि जो शिक्षक हैं इनको किसी भी तरह का नियमावली के खिलाफ धरना प्रदर्शन के रोक पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर धरना प्रदर्शन पर रोक के बावजूद आप लोग माफ़ कीजिएगा, अगर आप लोग नियमावली पर रोक के बावजूद धरना प्रदर्शन करते हैं तो इसके खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि जो शिक्षक विरोध कर रहे हैं नियमावली का, उनको विरोध करने का मौका नहीं देना है।